हाय जयेश हेलो जयेश आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। आपने मैम। अभी जो भी सक्सेस अचीव की है दैट इज रियली अप्रिशिएबल और आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। जयेश अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी। मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी जर्नी कैसे थी, जो प्रिपरेशन जर्नी थी वो कैसे थी, आपने कैसे प्रिपरेशन करा, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, सभी क्वेश्चंस मैं आपसे करने वाली हूँ। बट बिफोर दैट एक बेसिक सी चीज है कि आई वुड लाइक कि आप अगर खुद को इंट्रोड्यूस कर दो जो स्टूडेंट्स अभी आपको देख रहे हैं उनसे उनको। यस मैम। हेलो टू ऑल। मेरा नाम जयेश रमेश सोनोने है। मेरा होम टाउन चालीसगांव है, वो डिस्ट्रिक्ट जलगांव में है। मैंने अपने 12th तक की पढ़ाई अपने होम टाउन से ही कंप्लीट की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस में मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स शिवाजीनगर पुणे से कंप्लीट किया है। तो अभी आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दिया। अभी जर्नी के बारे में बात करने से पहले आपका स्कोर क्या आया है और आपका जो स्टेट रैंक है वो क्या आया है, आप उसके बारे में बता सकते हो हमें? यस मैम, कल ही प्रोविजनल लिस्ट आई थी और मैंने अपना मेरा स्कोर अभी 99.93 है और मेरे स्टेट रैंक 42 आई है और ऑल इंडिया रैंक 66 आई है। ओके दैट इज रियली ग्रेट जयेश। ओके जयेश अभी आपने इतना अच्छा स्कोर कर लिया है, इतनी सक्सेस अचीव कर ली है एंड यू यू विल डेफिनेटली गेट द ड्रीम कॉलेज दैट यू आर ड्रीमिंग फॉर। आप जो भी कॉलेज चाहते हो वो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा। तो यस अभी आपकी मैम। फीलिंग्स क्या है, आप क्या फील कर रहे हो राइट नाउ? मिक्स्ड फीलिंग्स है क्योंकि मतलब इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, मतलब 99 के अभव, तो मतलब खुश तो बहुत हूँ लेकिन अभी भी टेंशन बना हुआ है क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट आई, अभी भी कुछ लोग ऊपर है, मतलब हाई स्कोर वाले ऊपर होते ही है। अभी अब देखते हैं क्या राउंड में। आई एम होपिंग फॉर विजिट ही आए, बट देखते हैं। ओके यू आर होपिंग फॉर विजिट है, यू विल डेफिनेटली गेट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके अभी जैसे मुझे बताइए आपकी जो जर्नी थी इट माइट हैव बीन रियली हार्ड राइट। तो जो यस जर्नी थी वो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट भी हुई होगी। तो ये जो जर्नी थी आपकी, इस पूरे जर्नी में आपको मतलब आपने खुद को इंस्पायर्ड या आई वुड से आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा कि हाँ प्रिपरेशन करते वक्त सिलेबस बहुत बड़ा है तो आपको कभी तो टेंशन आई होगी, तो यस इस मैम। टेंशन को आपने कैसे टैकल किया, स्ट्रेस को? मतलब एक ही मेरा इंस्पिरेशन कही या मोटिवेशन कही है, एक ही थी कि मतलब इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद जो टॉप कॉलेजेस है उसमें एंट्री लेने का चांस मिल जाता है, तो यही मेरी इंस्पिरेशन थी। सिलेबस बहुत वास्ट है ये, मतलब यही एमसीईटी से बोलते हैं कि थोड़ा मतलब इजी है लेकिन यहाँ पर टाइम कंस्टेंट बहुत मैटर करता है। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत आना ही चाहिए, वो सीखने के लिए बहुत मतलब मेहनत लगती है। सिलेबस एक तरफ और टाइम मैनेजमेंट एक तरफ, ऐसा है। मतलब इंस्पिरेशन यही थी कि मतलब मुझे एक ड्रीम कॉलेज मेरा चाहिए था तो वही मेरे से सब करवा लेता था। तो आपने अपना जो मोटिवेशन है उसे अपने कॉलेज को अपना मोटिवेशन आपने बना लिया, ड्रीम कॉलेज वाज योर मोटिवेशन राइट। यस मैम, यस मैम। ग्रेट ओके जयेश क्या आप अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताओगे, कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कैसे आपने सोचा कि हाँ मुझे एमसीए सीईटी देनी है, मुझे एमसीए करना है, ये आपने कैसे सोचा और आपकी ये जर्नी कैसी रही? यस मैम। फर्स्ट ईयर में जब मैं था बीएससी कंप्यूटर साइंस में, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि बीएससी कंप्यूटर साइंस के भी लोग एमसीए में जा सकते हैं। मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि एक सीईटी होती है कि उसके थ्रू हम मतलब ब्रांच चेंज कर सकते हैं, मतलब एमसीए में जा सकते हैं। तो उस टाइम पक्का ऐसा नहीं था कि मैं देने वाला, तो मैं एमसीएस करने वाला था। फिर बाद में थर्ड ईयर में आते आते निम सीईटी के बारे में भी पता चला। उस वक्त कोविड का टाइम चल रहा था तो मतलब हमारे लगभग सारे सेम ऑनलाइन ही हो गए, लेकिन लास्ट टाइम सेम जो था उस वक्त हमारे कॉलेज ने ऑफलाइन रख दिया, तो मैंने निम सीटी की थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। लेकिन बाद में एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन था। बाद में पता चला कि ऑफलाइन ही होंगे, वो भी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल होने वाले थे, उसमें पढ़ाई ज्यादा लगती है, मतलब फुल फोकस रहना होता है, तो मैंने वो भी छोड़ दी थी पढ़ाई और सोचा था कि इस ये ईयर में ड्रॉप ले लूंगा। तो फिर सब हो गया, मई में हमारे एग्जाम वगैरह कंप्लीट हुए, बाद में 2 महीने बचे थे। सो मैंने सोचा कि ड्रॉप लेने से अच्छा एक बार ट्राई तो कर लूँ कि 2 महीने वेस्ट हो जाएंगे, उसके अच्छा थोड़ा फर में मतलब थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लेता हूँ। हो गया तो हो गया, कुछ पता नहीं था उसके बारे में। फिर हो गया मतलब मैंने बहुत ज्यादा हो गया, नहीं 2 महीने में नहीं, मैं ज्यादा ही यही मैं प्रिपेयर कर एक्चुअली लिया आपने?
मॉरल यही है कि बहुत लोग मतलब हम मैं अभी इसी प्रोसेस से गया हूँ कि स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एक ईयर ड्रॉप ले लेते हैं और जो अभी 2 महीने है या 4 महीने वो यूटिलाइज नहीं करते, इससे अच्छा एक बार ट्राई तो कर लेना ही चाहिए। सो मैंने फिर मतलब 11 जून से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसमें भी एक ये था कि मैं सेल्फ स्टडी ज्यादा करता हूँ, मैं सेल्फ स्टडी करने वाला था लेकिन टाइम पीरियड बहुत कम था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं रिसोर्स ढूंढने बैठूंगा तो बहुत सा वक्त वहाँ ही चला जाएगा, इसलिए मैंने कुछ ढूंढ रहा था कि ऑनलाइन या यूट्यूब पर कुछ मिल जाए वहाँ मतलब कंस्ट्रक्टेड सब सिलेबस हो, लेकिन 2 ही महीने थे तो मैं कुछ पे भी ज्यादा नहीं करना चाहता था, वो भी एक बात थी। सो फिर मुझे एक चैनल मिला सही पंकर अकेडमी, वहां पे भी मैंने सर ने कुछ वीडियो अपलोड किए थे तो उसमें भी जाके मैंने कमेंट सेक्शन देखा कि मतलब लोग क्या कह रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने लिखा था कि सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वगैरह, और मैंने सारे वीडियो देखे, फिर बाद में मैंने वो कोर्स लिया और वो मतलब वो मेरा बेस्ट डिसीजन था अभी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने कम ओके समय में पूरी प्रिपरेशन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, पर हो गया अब ठीक है। सो हाँ, यही आपका कहूंगा ट्राई कि तो एकदम ही अच्छा चला लग गया मैंने भी नहीं लग गया सोचा था निशाने पे तीर लग गया आपका। लग गया ओके जयेश, मुझे बताइए आपने जो रिसोर्सेस वगैरह थे वो क्या यूज करे थे प्रिपरेशन जर्नी में? मैम, मैंने कहा जैसे कहा कि निम सीएटी में करने वाला था, उसके लिए वो बुक आता है एमसीए ऑल पैकेज या फुल पैकेज करके, वो मैंने लिया था। उसमें मैंने एप्टीट्यूड वगैरह चालू कर दिया था लॉजिकल, लेकिन उसके बाद फिर पढ़ाई बंद हो गई एग्जाम की वजह से, और बाद में भी वही बुक रेफर कर रहा था कि फिर मैंने निम सीटी का ड्रॉप कर लिया क्योंकि दोनों मंथ थे तो मैंने एमएएच एमसीए सीटी पर ज्यादा फोकस किया। उसमें मैंने देखा कि वो जो लेवल है क्वेश्चंस की वो निम सीटी के लेवल के थे, महाराष्ट्र की इसमें इतनी लेवल नहीं है, यहाँ पर टाइम ज्यादा मैटर करता है तो वो कुछ बैठ नहीं रहा था। इसके वजह से मुझे कुछ टेस्ट सीरीज या ऐसा मटेरियल चाहिए था, गूगल पे देखा तो प्रीवियस ईयर के एमएएच एमसीए सीटी के क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते, तो मेरे मॉक टेस्ट या कुछ भी नहीं था, तो मैंने ऐसा सब कुछ कुछ कहाँ मिले वो मैं देख रहा था तो मुझे मिल गया, तो यही मेरा मटेरियल था, मैंने कुछ ज्यादा रेफर नहीं किया। अच्छा, जयेश, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, सबसे बड़ा वाला चैलेंज कौन सा था जो आपने फेस करा है इन दिस 2 मंथ्स? 2 मंथ्स मैम मतलब रिसोर्स ढूंढना ये तो चैलेंज होता ही है, लेकिन सिलेबस वक्त के अंदर कंप्लीट करना, मैं अपने बताऊं कि 2 महीने थे ये बहुत अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी इतना मतलब लेट जाके प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वक्त रहते अगर प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। मेरा बहुत ज्यादा रश हो गया था, मतलब दिन के मुझे 3-4 वीडियो देख के प्रिपरेशन भी करना पड़ रहा था। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे जैसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत अभी टाइम है तो अभी से पढ़ाई चालू करने नहीं चाहिए, टाइम कंस्ट्रेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसके लिए मतलब मेरा बहुत रश हो गया था लास्ट लास्ट में, मतलब दिन रात एक ही हो गए थे। सो वही चैलेंज मोस्ट अच्छा, जयेश मुझे बताइए, ये जो बाकी बच्चे हैं जो अभी इस ईयर के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है? मैम जैसे देख रहे हैं कि लास्ट ईयर में मतलब 2021 की जो बैच थी वह उस वक्त 15,000 कुछ स्टूडेंट थे उन्होंने अप्लाई किया था, हमारे वक्त वो 40,000 हो गए थे, 40,000+। मुझे लग रहा है कि इस बार 50,000, सर भी बोले कि 50,000 हो सकते हैं, और सीईटी ने क्वेश्चन की लेवल भी बढ़ा दी, पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते थे, इस बार मैंने मैथमेटिक्स में देखा कि उन्होंने मतलब थोड़े से ना निम सीएटी के लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस की लेवल बढ़ा दी है, तो प्रिपरेशन बहुत ज्यादा करनी होगी, ऐसा नहीं कि अब थोड़े कर लिया और हो गया, वैसा नहीं है। सब जो फोर के फोर कंप्यूटर में भी मैं बताऊंगा, मैं कंप्यूटर में बैकग्राउंड से ही हूँ, सी लैंग्वेज पे जो क्वेश्चंस आए थे वो कम आते थे पहले, इस बार 5-6 कोड आ गए थे, तो जिनको पता है वो कर लेंगे, लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो अभी से प्रिपरेशन करना ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, अगला पेपर मुझे लगता है और थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है क्योंकि तो कंपटीशन बढ़ जिनका रही है, बैकग्राउंड नहीं है उन्हें कंप्यूटर्स पे फोकस ध्यान ज्यादा देना करना चाहिए। पड़ेगा। हाँ ओके तो बढ़ रहा है ओके क्योंकि अब डेटा दैट स्ट्रक्चर्स भी आ गया था इस बार। गुड। अच्छा ओके, जयेश मुझे बताइए, अभी आपने बोला कि आप ज्यादातर सेल्फ स्टडी करते हो और 2 ही महीने थे इसलिए आपने कोर्स वगैरह परचेस किया था, राइट? यस तो मैम आपने जो भी अभी प्रिपरेशन किया है उसमें क्यू स्टडी ऐप जो है उसने आपको किस तरह से हेल्प करी है? मैम जैसे बोला कि मतलब टाइम कम था तो एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे वेस्ट बिल्कुल नहीं करना था,
मैंने 11 जून से स्टार्ट किया। मैथमेटिक्स जो पार्ट सर ने सिखाया है बहुत अच्छे से सिखाया, मतलब बहुत थोरोली जाके किया है, सब फॉर्मूला वगैरह सब दिया है, शॉर्ट ट्रिक्स दिए हुए है। टाइम कम था इसलिए मैंने सिर्फ एक एक बार ही वो वीडियो देखे, रिपीटेशन ही किया, लेकिन जो एक बार देखा है वो भी मुझे ठीक से समझ में आ गया था, इतना अच्छे से उन्होंने पढ़ाया है। मैं प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बहुत देख परख के चीजें लेता हूँ, पर सर ने बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और बाद में एप्टीट्यूड का जो भी क्लास था, लॉजिकल रीजनिंग का, वो भी अच्छे से हुआ है। कुछ चीजें मुझे पता थी, लेकिन पजल जो आते हैं वो थोड़े हार्ड लेवल के होते हैं, सो वो सॉल्व करने की भी उन्होंने अच्छे से ट्रिक बताई थी। कंप्यूटर इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग यही है कि जो मॉक टेस्ट है, मतलब 20 to 25 मॉक टेस्ट जो सेक्शन वाइज थे वो है, और अभी 10 जंबल भी ऐड किए थे, तो मतलब उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ मुझे। टाइम मैनेजमेंट जो करना है तो वो मैं वहां से ही सीखा। तो ये सब ओके, तो मॉक टेस्ट ने आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करी है, यस राइट। ओके, अभी मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, जो अभी भी जो भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होगा कि प्रिपरेशन कैसे करना है, और प्रिपरेशन करते वक्त कौन कौन सी जो टिप्स है स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए, जो आप उन्हें देना चाहोगे। मैम तीन टिप्स देना चाहूंगा। फर्स्ट टिप तो यही है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब मैथ्स बहुत लोगों का वीक होता है, तो सोचते हैं कि मैथ्स चलो ड्रॉप कर देते हैं, बाकी तीन तो ही वो कर लेंगे। ऐसे बिल्कुल भी गलती करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, कौन सा इजी हो जाएगा। सो एटलीस्ट आप प्रिपरेशन तो करके ही जाइए, मैथ्स हो या लॉजिकल रीजनिंग, छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्या हो सकता है कि अब एग्जाम देते वक्त हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाती है, उससे क्या हो सकता है कि शायद से हमें जो क्वेश्चन हमें नहीं लगता था कि ये कभी भी आएगा ही नहीं मुझे, ये तो सॉल्व ही नहीं करूंगा, वो भी आ जाता है। सो 6 to 7 मतलब बन भी गए तो हमारा स्कोर बढ़ जाता है। सो फर्स्ट टिप यही है कि कुछ भी मिस नहीं करना है। सेकेंड टिप यही है कि टाइम मैनेजमेंट तो सीखना है, मैंने बहुत बार बोला ये कि हमारे मतलब जो लड़ाई है पेपर में वो क्वेश्चंस के साथ कम और टाइम के साथ ज्यादा है। अगर टाइम मैनेजमेंट हमने ठीक से किया होगा तो फिर मतलब बहुत अच्छे से पेपर जा सकता है, तो वो उसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप होगी तो सेकंड स्टेप मॉक टेस्ट है। मॉक ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, वो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और थर्ड स्टेप यही है जो मतलब सर ने भी सिखाया और मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि ईगो, मैंने अपने मतलब पढ़ाई के 60% टाइम जो मेरे पास बचा था मैंने वो मैथ्स को दे दिया था, 40% टाइम मैंने बाकी तीन को दिया। और हमारे मेरा जो पेपर था उसमें मैथ्स मॉडरेट लेवल पर आ गया था, सॉल्वेबल थे क्वेश्चंस लेकिन लेंदी थे खूब, अगर सॉल्व करने बैठ जाते तो वक्त निकल जाता। अगर मैं उस टाइम ईगो पे ले लेता कि मुझे मैथ्स तो करना ही है, मुझे आना ही चाहिए, तो शायद से मेरे बाकी के सब क्वेश्चन छूट जाते। सो यही है कि कौन सा भी क्वेश्चन हो ईगो पे नहीं लेने का, बाकी चल मतलब जो सॉल्व कर सकते हैं फास्ट में 30-40 सेकंड में वो पहले कर लेने के, फिर में जब टाइम बचता है तो फिर वो क्वेश्चन कर लेने का, उससे स्कोर बढ़ सकता है। सो यही टिप। ओके, ग्रेट जयेश, सो दैट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू, आपने सच में बहुत अच्छे से गाइड किया है सभी स्टूडेंट्स को। होपफुली वो आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, आपके जो टिप्स आपने दिए उन्हें फॉलो भी करेंगे, और इस ईयर के एग्जाम में वो भी अच्छा रैंक लेके आएगी जैसे आपने लेके आया है। थैंक यू जयेश, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, एंड मतलब कर लेना वही। थैंक यू सर।